दोस्तों नमस्कार, डीएसआर 20 ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को दिखा रहा हूं दोस्तों कि जो है नूडल्स चाउमीन कैसे बनाया जाता है, वो आप लोग उसका प्रक्रिया देख सकते हैं दोस्तों आज के हमारा इस ब्लॉग में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग जो है पत्ता गोभी काट रहे हैं, इसको हम लोग को नूडल्स चाउमीन में डालना है। पत्ता गोभी काट के पतला पतला काट रहे हैं ताकि देखिए पूरा पतला पतला काट रहे हैं। थोड़ा पतला काटो बाबू, ज़्यादा मोटा हो रहा है। सीझेगा खन बढ़िया हो जाएगा। नहीं नहीं देखो, दर्शक को दिखाना है तो थोड़ा अच्छा से बना के दिखाएगा तब ना बाबू। तो दोस्तों बहुत दिन से सोच रहे थे कि नूडल्स वाला ये बनाए वीडियो, ताकि और भी हमारे दर्शक सबको इस ये वीडियो मिले, क्योंकि अभी जो है दोस्तों सामान बहुत चीज़ रहता है घर में लेकिन बनाना नहीं आता, तो फिर सब सामान रखा रहता है, इसलिए बनाने के लिए सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। इससे पहले भी हम लोग बनाए हैं तो इसका वीडियो नहीं किए थे, लेकिन आज आप लोगों को नूडल्स बनने से लेकर खाने तक का सारा वीडियो आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। पूरा एक ठो गोभी हम लोग को पूरा काटना है दोस्तों। और अभी हम लोग लाए हुए हैं नूडल्स के, देखिए इसको हम लोग को कम से कम इतना सारा बनाना है, क्योंकि हम लोग देखिए चार पांच पैकेट जितना है सब अभी हम लोग को बनाना है। अभी अभी फिलहाल ना तीन को दो है ना, देख लेते हैं क्या है स्थिति, उसके बाद एक गोभी भी रहेगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग नूडल्स को देखिए खोल लिए हैं। यहाँ पे चाउमीन भी सेम इसी तरह से रहता है, वही है। तो क्या है कि ये जो है दोस्तों ये मैदा से बना हुआ है और इसका पैकेट देखिए इस तरह से है। दोस्तों इसका देखिए पैकेट जो है इस तरह से है, देखिए और ऐसे ये RCM में मिलता है, RCM दुकान में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको पता है, और जो ये इसे भी मार्केट में मिल जाएगा आपको। तो जो खोलने से इस तरह से दिखता है दोस्तों थाली में, देखिए को बाबू उधर काट रहा है और इसका दीदी जो है इसको भी तोड़ रही है। और अभी मसाला है सब में, देखिए दोस्तों इसके अंदर जो है मसाला इस तरह से निकलता है, देखिए इसमें इस तरह से मसाला सब पैकेट के अंदर मसाला निकलता है दोस्तों। तो इसको सिंगल पैकेट भी आप जो है बना सकते हैं, हालांकि हम लोग अभी ज़्यादा आदमी हैं तो सबको नहीं होगा इसलिए सब बना रहे हैं। थोड़ा सा पतला करो बाबू, इसको इस सबको बड़ा ज्यादा ही है तो फिर उसमें खाने में तुम लोग को सही नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसको हम लोग को देखिए थोड़ा थोड़ा ये लोग को इस सबको तोड़ देना है, क्योंकि अच्छा से नहीं तोड़ेंगे तो फिर भी मतलब एक साथ में इकट्ठा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए इस सबको तोड़ दीजिए। और एक थाली दीजिए तो उधर से तो उसमें पूरा देखिए दोस्तों इस तरह से तोड़ने के बाद देखिए इस तरह से निकलता है, हो जाएगा खाली कर ले मैं यहाँ। अच्छा तो इस तरह से देखिए दोस्तों देखिए यहाँ से निकलता है इस तरह से, तो तोड़ेंगे तो मैंने यहाँ से गुच्छा टाइप का निकलता है। क्या हो कच्चे लेके भाग गए,
थोड़ा सा, थोड़ा सा इतना पूरा जाना। तो दोस्तों आप भी कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को पूरा वीडियो भी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, और बहुत ही मज़ा आने वाला दोस्तों इस ब्लॉग में। चप्पल कहाँ, कहाँ चप्पल रखा है तो हमको तुम पूछ रहा है? यही है कि बाहर का जो चौमीन मिलता है दोस्तों उसमें थोड़ा खराबी करता है, लेकिन घर में हम लोग ये जो नूडल्स लाते हैं ये जो है खराबी नहीं करता है उतना, क्योंकि बाहर में बहुत तरह का चीज़ मिलावट रहता है। तो दोस्तों देखिए हम लोग जो है इसके लिए प्याज भी हम लोग जो है अरे कहाँ गया प्याज। दोस्तों अभी हम लोग प्याज काटेंगे यहाँ पे। मैं बैठी लला डूबू वीडियो बना रहा है। हाँ, वीडियो बना रही क्या करवा। अरे हाँ तो दोस्तों देख रहे हैं हम लोग को यहाँ प्याज चिरा रहा है। देखिए हम लोग प्याज प्याज काट रहे हैं। देखिए ये वाला इधर एक को इधर प्याज काट रहे हैं। प्याज भी इसमें डलाएगा, मिर्चा भी डालना है जी। मिर्चा कहाँ है? अच्छा मिर्चा उधर है ना। अच्छा हस्ती का बस्ती ब्रो। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, अरे साइड करो इसको, प्याज हम लोग का जो है कटिंग हो गया है। और देखिए प्याज काटते काटते अब इनका जो है आंसू भी आने वाला है। अब देख लीजिए ये खुशी का आंसू है खाने वाला खाने वाला। तो दोस्तों इधर हम लोग का चूल्हा भी जल रहा है, देख लीजिए। देखिए गोईठा जलाते हैं दोस्तों, क्योंकि गाँव में तो बड़ी महंगा हो गया कोयला, हम लोग कहाँ पाएंगे कोयला, इसलिए गोईठा ही जला रहे हैं। गोईठा जला के हम लोग आज कोयला का काम करता है गोईठा। तो दोस्तों देखिए अब थोड़ा सा घर का सफाई भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चूल्हा वगैरह साफ करके फिर अभी बनाना चालू करेंगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, भी जरूरी है कंटिन्यू, ताकि बिना सफाई का लक्ष्मी जो है ना घर में नहीं आती है। ए तुम क्या खा रहा है जी? पत्ता गोभी खा रहा है। देखिए दोस्तों ये बंदा कच्चा बंदा गोभी खा रहा है। ये बंदा कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, ऐसे खाना चाहिए कच्चा भी बहुत विटामिन मिलता है इसे। बिछान बाबू दरिया देखे भाई, दरिया बिछान डाले, दरिया बिछाओ बाबू, दरिया बिछाओ। दोस्तों हम लोग देख लीजिए कढ़ाई में डाल दिए हैं, बन रहा है। अब इसको चूल्हा में डालेंगे। देखिए हमारा पिताजी आ चुके हैं, तो ये बताएंगे कि मैगी खाने में कैसा लगता है। बताइए कैसा लगता है? खाने में बहुत मजा लगता है, मैं अभी बना नहीं ऐसा चू रहा है पेरपल। अच्छा अच्छा अभी विश्वास नहीं है, बंदा सही में कच्चा बंदा वो भी खा रहा है। चलो खा के दिखाओ। अरे अभी गंदा किया तुम, फिर साफ हुआ था। तो देखिए हमारा पट्टू यहाँ दूध पी रहा है, इसका इसकी मम्मी मतलब दूध पिला रही है, दूध नहीं देती है तो इसको बोतल से पिलाना पड़ता है। देखिए पी रहा है, बकरी का बच्चा दूध पी रहा है, इसका मम्मी दूध नहीं देती है तो आज देखिए। अरे एक ठो मेरे पापा पकड़े हुए हैं, गाय का दूध पी रहा है ये, और ये माँ ममता की मूर्त होती है दोस्तों, इसलिए देखिए
ये सब बच्चे को पाल रहे हैं और वो कितना प्यार से उस बच्चे को रख रहे हैं दोस्तों, दोस्तों ये बिल्कुल अपने बच्चे जैसा। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग में बने रहिए और भी इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इतना महंगा दूध पिला रहे हैं ये लोग को, अमूल का दूध पिलाते हैं, अमूल का 25 रुपए। नहीं दोस्तों अमूल का दूध नहीं, गाय का दूध पीता है, इतना महंगा दूध पी रहा है लोग, 10 रुपये पाव वाला। एक दिन में 40 रुपया का दूध पीता है इन लोग, एक तो एक 40 रुपया का। चल डाइट स्टार्ट करो। अरे बाबू सुनो तो, कितना क्लास में पढ़ता है तुम? 9th में। 9th में पढ़ता है? हाँ। माँ बाप का कितना कहल सुनता है? बहुत कहल सुनते हैं। बहुत सुनता है वो तो, तुम्हारा बहुत शिकायत आता है। हाँ, सुनते हैं कि तुम लोग बहुत कमीशन खाता है माँ बाप से। हाँ तो उतना दूर चल के जाते हैं तो 5 रुपया तो खाएंगे ही। अच्छा तो कॉपी कलम के लिए मिल जाता है उस समय तो तुम लोग तो पैसा और ज्यादा कमीशन लेता है। हाँ तो 100 कॉपी लेते हैं तो 5 रुपया और ले लेते हैं, तो 20 रुपया का कॉपी तो 5 रुपया कमीशन, 25 रुपया हो गया। अच्छा तो देखिए दोस्तों आजकल का आधुनिक स्टूडेंट ऐसा ही पढ़ाई करता है, 300 लगता है स्कूल में तो घर में 600 लेता है और 300 रुपया ढांप लेता है। सही समझे आ गया। सुनो सुनो इधर आओ बाबू, जल्दी आओ जल्दी, वहाँ डाल दिया। तो दोस्तों देखिए अभी हम लोग ना कढ़ाई में चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई में उसको छोड़ दो मत चलाओ, अभी थोड़ा सा उबलने दो। उबलने के बाद ढक देंगे इसको। देखिए दोस्तों हम लोग अभी गोइठा चलाए हुए थे, मतलब कोयला वाला चूल्हा में, बहुत गरीब आदमी, बहुत गरीबी बहुत है इसीलिए हम लोग कोयला भी नहीं ले पाते हैं। क्या बोलिएगा दोस्तों, झारखंड में बहुत कोयला है लेकिन कोयला चोर भी बहुत है। देखिए यही गोइठा जलाए हैं दोस्तों हम लोग, बहुत मस्त ताव दे रहा है। ये तो झारखंड का देसी जुगाड़ है दोस्तों खाना बनाने का, गांव वाला तो गोइठा, शहर वाला तो गोइठा क्या होता है उसके बारे में मालूम भी नहीं है। दोस्तों देख लीजिए ये जो है उबल रहा है, अब इसको उबल गया, अब इसको उतारना है उसके बाद। दोस्तों देखिए हम लोग उबलने के लिए दिए थे यहाँ पे बंदा गोभी, उबल गया है देखिए, और यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे चौमिन उबाल के रखे थे, ये भी उबल गया है और ये भी उबल गया है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को आगे का प्रक्रिया दिखाते हैं, ऐसे तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, खाने में कितना मजा आएगा दोस्तों को वो तो बताएंगे हम लोग, टेस्ट करके बताएंगे आप लोगों को। ठीक है एक बार इंटरव्यू दोस्तों, दोस्तों
तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हम लोग इसका उसको हम लोग निकाल लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग उसमें प्याज वगैरह डाल के बस अब बनने में ज़्यादा लेट नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। तो दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे हम लोग तेल डाल दिए हैं, उतना में थोड़ी होगा जी, थोड़ा सा थोड़ा रिफाइंड था, रिफाइंड डालती हाँ हो जाएगा, छोड़िए ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों देखिए हम लोग मिर्चा भी डाल रहे हैं, से देखिए दोस्तों हम लोग का तेल गरम भी हो गया है, तो दोस्तों देखिए हम लोग का प्याज जो है वो भुंजा गया है, अब देख लीजिए। और यहाँ पे हम लोग टमाटर डाल रहे हैं, तो दोस्तों देखिए हम लोग टमाटर भी डाल दिए इसमें दोस्तों, टमाटर के बाद देखिए ये हम लोग का बंधा गोभी है दोस्तों, ये हम लोग डाल रहे हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा चला दे रहे हैं दोस्तों, ताकि ये मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये लटकेगा नहीं, इसे चलाएंगे तो अच्छा रहेगा, प्याज व्याज जो है सब मिलेगा एक साथ। अब तो मैं डालना है ये, तो दोस्तों देख लीजिए अब हम लोग इसको चला रहे हैं, इसको भी डालना है ना आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हम लोग मैगी को डाल दिए, तो दोस्तों देख लीजिए अब हम लोग यहाँ पे मैगी भी जो है चाउमीन भी डाल दिए हैं, नूडल्स और पत्ता गोभी दोनों को हम लोग मिक्स कर दिए हैं। और इसमें हम लोग दोस्तों अब नमक भी डाल दिए हैं, अब एकदम देर नहीं है दोस्तों, एकदम 5 मिनट में तुरंत तैयार हो जाएगा। चलाइए 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 मिस्त्री जी, थोड़ा चलाइए बढ़िया से, कि हमारे टकलू मिस्त्री हैं, देख लीजिए। चलाइए, इसके लिए बड़ा कढ़ाई चाहिए था कि छोटा हो गया ना, शायद कंपटीशन चलेगा दोस्तों। दोस्तों देख लीजिए हम लोग यहाँ पे जो पैकेट में मसाला था वो डाल दिए हैं, सब डाल दिया। तो दोस्तों देख लीजिए ये जो है मसाला है, इसको हम लोग फाड़ रहे हैं, फाड़ के डाल रहे हैं। दीजिए ना हल्दी है और वो गिलास में मसाला है, ये वाला हल्दी है दीजिए, और वहाँ गिलास है मसाला। देखिए दोस्तों हम लोग गिलास में मसाला रखे हैं, मसाला भी थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से तो मज़ा आएगा। बस बस उतना ही डाली हल्दी, कलर हो जाएगा बस, जल्दी फाड़िए सर। तो देख लीजिए दोस्तों मसाला हम लोग जो है बस उतना ही, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसाला हो जाएगा, ज़्यादा मत डालिए। तो दोस्तों देख लीजिए हम लोग जो है डाल दिए हैं मसाला, और इसका जो मैं मतलब चौमीन मसाला आता है मैगी मसाला वो डाल दिए हैं हम लोग। थोड़ा सा पानी डालिए, नहीं डालिएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, लटक जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग तीन चार आदमी मिलके बना रहे हैं दोस्तों, यार ये खाना हो सब मिलकर। तो दोस्तों अभी क्या कह रहे हैं, तो दोस्तों देख लीजिए अब हम लोग पानी भी डाल रहे हैं, और दीजिए नहीं होगा और क्या, और तो हाँ बस बस। तो दोस्तों देख लीजिए हम लोग जो है पानी इसमें डाल दिए हैं, और थोड़ा सा उबलेगा और डालना होगा मैडम, नहीं खराब होगा थोड़ा डबकेगा ना तो नहीं, 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 हो जाएगा, हो जाएगा, मैं कर दी सुन। तो दोस्तों देख लीजिए हम लोग का जो है
लगभग बन के तैयार हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों ये बन के तैयार हो गया और देखने में बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों। और अभी हम लोग कम से कम यहाँ पे हम लोग 4-5 आदमी मिल के खाना है दोस्तों। एक कढ़ाई हो गया दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों खाने में। तो हो गया, रेडी हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा देर ये उबलेगा। देखिए आग में उबल रहा है, थोड़ा देर उबलने के बाद फिर इसको हम लोग लिक करेंगे दोस्तों। वैसे बन के कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इतना देर पेशेंसफुली हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि इस तरह का और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और भी आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों, अभी खाने तक का भी वीडियो को दिखाएंगे। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग अब तैयार हो गया, अब हम लोग निकाल रहे हैं प्लेट में। ए बा लड़का वाला का बहुत स्वाद लग रहा है इसको दोस्तों। देखिए लाइट भी नहीं दिख रहा है, लाइट जला दे मैडम। अच्छा तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग देखे अभी तक जो है नूडल्स का जो है हम लोग बना रहे थे उसको, और वो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे यूट्यूब परिवार को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू। जोहार, जय झारखंड, नमस्कार। झाल लग रहा है, अरे पानी देना।